बुद्धाय जय भीम सर। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, आप भीमनगर में आज भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसमें आप संचालिका के रूप में यहाँ पर देख रहा हूँ कार्य कर रही हैं और काफ़ी अच्छा लगा, तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जी बहुत बहुत साधुवाद सर आपने आमंत्रित किया बोलने के लिए। आपका नाम? जी मेरा नाम गीता नागले है और मैं भी एक शिक्षिका हूँ, और जो बुद्धविहार भीमनगर बडोरा में जो कार्य चलते आ रहे हैं विगत 5 वर्षों से यहाँ पे कार्य चल रहे हैं, और बाबा साहब की प्रतिमा से लेकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा का जो आज अनावरण हुआ है, इसी के बीच में कई ऐसे जो कार्य हम लोग करते हैं कि घर घर जाकर जैसे बुद्ध भगवान बुद्ध बाबा साहब के विचारों को पहुँचाना ऑनलाइन संगोष्ठी के माध्यम से, और साथ ही यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग क्लासेस चलती हैं, और वो अम्बेडकराइट्स जो एसोसिएशन है उसके थ्रू उनको मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी जो शिक्षिका होती है उनको पेड किया जाता है, बाकी बच्चों से किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। दूसरी ओर जितने भी जो महापुरुषों की जयंतियाँ होती है उन जयंतियों में हमारे यहाँ के जो जितने भी बच्चे हैं, जरूरी नहीं कि वो बड़ोरा के ही हो, पूरे हम बैतूल जिले के जितने भी बच्चे होते हैं हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से उन तक मैसेज पहुँचाते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर जैसे 26 नवम्बर है और जितने भी हमारे आदर्श है हमारे बहुजन जो महापुरुष है उनकी जयंतियाँ होती है, तो हम अधिक से अधिक लोगों में बच्चों को उसमें शामिल करना चाहते हैं कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, चाहे वो स्पीच के माध्यम से हो, चाहे वो नृत्य के माध्यम से हो, चाहे कविता के माध्यम से हो, ड्राइंग के माध्यम से हो, तो ऐसे बच्चे यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमको ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने जो कहा था कि भाई मेरे विचारों को पहुँचाना है, मेरे विचारों को जन जन तक पहुंचाना है, तो इसको इस शब्द को प्रयास मतलब हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि जो विचार है उनके घर घर तक पहुंचे। और वैसे भी हम जानते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए इतना अनमोल जो संविधान दिया है, जो बहुमूल्य है हमारे लिए से मतलब हर जनता के लिए, हर व्यक्ति के लिए, पूरे देश भारत देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए, क्योंकि चाहे वो बस वाला हो, चाहे वो एक गाड़ी वाला हो, चाहे वो ऑटो चालक हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो किराने दुकान वाला हो, कोई भी यदि वो काम करता है तो संवैधानिक रूप से ही काम करता है, यदि वो असंवैधानिक रूप से काम करेगा तो वो संविधान का उल्लंघन करता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो, चाहे वो नेता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसान हो, चाहे टीचर हो, चाहे कर्मचारी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कर्मचारी हो, तो वो संवैधानिक आधार पे ही काम करता है। ये बात अलग होती है कि लोग नाम नहीं लेते कि हम काम कर रहे हैं असंवैधानिक रूप से, लेकिन कब कोई भी व्यक्ति अगर असंवैधानिक रूप से काम करता है तो उसको निश्चित ही दंड भुगतना पड़ता है। तो ये सब कानून जो लिखा हुआ है वो हम जानते हैं कि भारत का जो कानून है वो भारत देश का संविधान है, तो संवैधानिक रूप से ही चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, चाहे वो एक भिखारी क्यों ना हो, वो सब उसी के दायरे में आते हैं। तो हमारा प्रयास पूरी तरह से ये है कि बाबा साहब का जो संविधान है और संवैधानिक के जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो जितने भी अधिकार है, हमारी जो माताएं बहनें हैं उनका यदि किसी भी प्रकार का कहीं शोषण हो रहा है तो उसमें जो भी संविधान की जो जानकारी है उन तक पहुंचनी चाहिए और उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। यदि कोई गरीब मजदूर व्यक्ति है, उसका बच्चा यदि पढ़ने में अच्छा होशियार है और उस तक वो जो जानकारी नहीं पहुंच पा रही है कि उसको आगे क्या करना चाहिए करियर काउंसलिंग के माध्यम से, और उसको कौन से किस आर्टिकल के तहत मतलब संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उनको लाभ मिलता है, उस लाभ की जानकारी हम घर घर तक पहुँचाते हैं ऑनलाइन संगोष्ठी के माध्यम से, और ऐसे जो कार्यक्रम होते रहते हैं बीच बीच में हर महापुरुषों की जयंती पर हम ये मैसेज चलाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, संविधान को हम किस तरह हमारे लिए लाभप्रद है, किसी एक के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए, पूरे भारत देश के नागरिक के लिए। जी आपने बहुत वक्त दिया हमारे चैनल पर, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद आपको।